क्षेत्र अंतर्गत जयमंगला गांव में घर के आगे बदमाश तीन युवकों को कैंसर रोग से ग्रसित महिला ने सिगरेट पीने से मना किया, तब दबंगों ने घर पर चढ़कर कैंसर पीड़िता सावित्री देवी और उसके पुत्र राम प्रवेश कुमार को दबंगों ने जमकर पीट दिया। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। घायल महिला के पुत्र ने बताया कि महिला के ऑपरेशन वाले जगह पर मार लग जाने के कारण रक्तचाप थम नहीं रहा है। वहीं पीड़िता के पुत्र ने यह भी बताया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाश रंजीत सिंह का पुत्र संटी कुमार, ललन सिंह का पुत्र रवि कुमार और सूली साव का पुत्र विक्की कुमार शामिल है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उक्त आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में पीड़ित के द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन सौंप कर प्राथमिक दर्ज करवाई गई। घायल महिला की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मेरे घर के बाजू में सर पास में दरवाजे के पास वो पाँच से सात लड़का मिल के सर वो डेली दो साल से हमें सर परेशान कर रखा है और गुंडागर्दी सर सिगरेट दारू ताड़ी वहाँ पी कर और नशेबाजी कर कर सर दरवाजे पटकता और गाली गलौज करता। हम बताएं सर भाई लॉकडाउन है, अभी अपने अपने दरवाजे को घर के अंदर रहो, वो तुम्हारा बाप के जगह पे बैठे हैं। इतना ही में सर मेरे शरीर पर प्रहार कर दिया और मेरे आंखों पर मारा और मेरी माँ को नाक पर मारा, जो कि सर ब्लड आ गया, जो कि मेरी माँ कैंसर पेशेंट है, जो कि पेट के सहारे सर होता है ये पैखाना, तो उसको कोलोस्टोमिक बैग पे सर लात मार दिया, जो कि पूरी रेड कलर की ब्लड आने लगी, पूरा बैग ब्लड से सर भर गया। इस संबंध में थाना में शिकायत किए हैं? जी सर, ये सब सारा शिकायत कर लिए हैं और इसके लिए सर पूरा टाल रहे हैं हम जो बोले सर। कौन लोग मारने वाला है? वो सन्नी कुमार है, विक्की कुमार है और रवि कुमार है। सन्नी कुमार के पिता का नाम रंजीत सिंह और रवि। थाना गिरफ्तारी करने गया कि नहीं गया? नहीं सर, गिरफ्तारी करने नहीं, वही खली गए हैं। और जबकि जिसका नाम दिए थे वो भी कल थाना में बुलाए थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम सर राम प्रवेश कुमार। आपकी माँ जी का क्या नाम? सावित्री देवी सर। शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।